गुआवा केक कैसे बनाते हैं? ये सवाल काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है। आज मैं आपको बेकरी स्टाइल इजी एगलेस गुआवा केक रेसिपी सिखाने वाली हूँ। ये वीडियो में ना सिर्फ आप गुआवा केक बनाना सीखेंगे, पर वेजिटेरियन गुआवा जेली भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए टेस्टी, यम्मी एंड इजी एगलेस गुआवा केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने दही से तैयार किया हुआ वेनिला स्पॉन्ज केक ले लिया है। मैंने ये केक की रेसिपी मेरे पहले के एक वीडियो में आपको सिखा दी है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रही हूँ। मैंने ये केक को बिना ओवन के तैयार किया है। इसे मैंने कुकर के अंदर बेक किया है। दोस्तों, मैं ये केक को 3 लेयर्स में काट लेती हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी जो झाली है बहुत ही बढ़िया आई है। सबसे पहले मैं केक को मॉइस्चराइज कर लूँगी। मॉइस्चराइजेशन के लिए मैंने सादे पानी का उपयोग किया है। आप चाहे तो आप चीनी वाले पानी का भी उपयोग कर सकते हैं, पर मैं हमेशा इसी प्रकार से सादा पानी यूज़ करती हूँ। इससे केक की स्वीटनेस एकदम बैलेंस्ड होती है। केक के पहले लेयर का मॉइस्चराइजेशन बढ़िया तरीके से हो चुका है। अब मैं आपको आगे की तैयारियाँ दिखा देती हूँ। दोस्तों, हम गुआवा चिली फ्लेवर की केक बना रहे हैं, इसलिए मैं इस पर गुआवा क्रश यूज़ करूँगी। मेरे पास ये गुआवा क्रश है। मैं थोड़ा सा इस पर लगाकर अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। ये क्रश अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लूँगी। व्हिपिंग क्रीम भी अच्छी तरीके से केक के पहले लेयर पे स्प्रेड हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा और गुआवा क्रश अच्छे से डाल के स्प्रेड कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ा प्रोमिनेंट गुआवा फ्लेवर लाना चाहती हूँ इस केक में, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्रश इसमें उपयोग कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा कम फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप केवल एक ही लेयर पे इसे लगा सकते हैं। केवल क्रीम लगाने के बाद भी आप इसे लगा सकते हैं। क्रश अच्छी तरीके से इस पर लग चुका है। अब मैं केक का दूसरा लेयर इस पर प्लेस कर लूँगी। जो स्टेप्स हमने पहले लेयर के लिए किए थे, वही सारे स्टेप्स मैं इसके लिए भी रिपीट करूँगी। केक का दूसरा लेयर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं इसके ऊपर केक का टॉप मोस्ट लेयर प्लेस कर लूँगी। मैं टॉप मोस्ट लेयर को भी अच्छी तरीके से पानी से मॉइस्चराइज कर लूँगी और केक की साइड्स इवन कर लूँगी। केक की साइड्स अच्छी तरीके से इवन हो चुकी है। अब मैं इसके टॉप पर थोड़ा और गुआवा क्रश लगा लूँगी। टॉप पर गुआवा क्रश लगाना एकदम ही ऑप्शनल है, पर जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि मैं ये केक का एकदम प्रोमिनेंट गुआवा फ्लेवर चाहती हूँ, मैं ये क्रश थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगा रही हूँ। अब मैं केक की आइसिंग अच्छी तरीके से कर लूँगी। साइड से शुरू करते हुए मैं केक के साइड्स और टॉप को अच्छी तरीके से आइसिंग कर लूँगी। केक का आइसिंग एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है। अब मैं केक को फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख दूँगी। मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी सेट करने के लिए। जब तक केक फ्रीज़र में सेट हो रहा है, तब तक मैं आगे की तैयारियाँ कर लेती हूँ। ये केक को मैं जेली के साथ सजाने वाली हूँ फ्रेंड्स। मैं एक पैन ले रही हूँ और उसके अंदर मैं 200 ml पानी ले रही हूँ। इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून वेज जिलेटिन का पाउडर डाल दूँगी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आता है वेज जिलेटिन। मैं ये इसके अंदर डाल रही हूँ और अच्छे से मैं इसे मिला लूँगी। सारी सामग्री अच्छे से मिल चुकी है। अब मैं इसे ढक के साइड में 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं। मैं वापस सारी सामग्री को एक और एक बार मिला लूँगी। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप गुआवा का क्रश है वो डाल दूँगी। 2 टेबलस्पून चीनी, 4 से 5 ड्रॉप्स गुआवा एसेंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो गुआवा एसेंस यूज़ किया है वो ऑयल बेस्ड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ। 2 से 3 ड्रॉप्स रेड फूड कलर। मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिला लूँगी। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसे गैस पर कुक कर लूँगी। मैं इसे लगातार चलाते हुए गैस पर कुक करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिश्रण गाढ़ा हो चुका है और बिल्कुल तैयार है। अब मैं आँच को बंद कर दूँगी और इसे ठंडा कर लूँगी। हमें मिश्रण को पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा ही ठंडा करना है, वरना जेली जो है वो सेट हो जाएगी। जब तक हमारा मिश्रण 2 मिनट के लिए ठंडा हो रहा है, तब तक मैं आपको दूसरा दिखा देती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये सिलिकॉन का मोल्ड है, ये शेप का मोल्ड है। मैं ये मोल्ड में जेली बनाने वाली हूँ। मैं ये मोल्ड के अंदर हमारी तैयार की हुई जेली का मिश्रण जो है वो पोर कर दूँगी और मैं इसे साइड में सेट करने के लिए रख दूँगी। दोस्तों, मेरे पास थोड़ा और मिश्रण बच गया था और मेरे पास इस प्रकार का दूसरा सिलिकॉन का मोल्ड था, तो मैंने वो सिलिकॉन मोल्ड के अंदर हमारा तैयार किया हुआ मिश्रण पोर कर दिया और उसे भी सेट करने के लिए मैं रख रही हूँ। जब तक जेली सेट हो रही है तब तक मैं आपको आगे की तैयारियाँ दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये मोल्ड था, ये मोल्ड को मैंने इस प्रकार से काट लिया है। मैंने इसे इसलिए काटा है क्योंकि ज़्यादातर जो केक्स मैं बनाती हूँ उसकी हाइट यही होती है, थोड़ी सी छोटी होती है। मैं एक बोल के अंदर थोड़ी सी कट की हुई वाइट चॉकलेट के पीसेस ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स वाइट चॉकलेट ली है। मैं इसे माइक्रोवेव में 30 सेकंड पे हाई पावर मोड पे गर्म करने के लिए रख दूंगी। दोस्तों, ये चॉकलेट 30 सेकंड में मेल्ट नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इसे वापस दोबारा 30 सेकंड के लिए हाई पावर मोड पे रख दिया था। कुल मिलाकर 1 मिनट में मेरी ये चॉकलेट अच्छे से पिघल गई है। फ्रेंड्स, जब भी आप वाइट चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए रखते हो तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप इसे एक साथ 1 मिनट पे मत मेल्ट करिएगा। ये करने से जो चॉकलेट है वो बहुत ही ख़राब हो सकती है, जल सकती है। हमारी चॉकलेट बहुत बढ़िया तरीके से मेल्ट हो गई है। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून गुआवा एसेंस डालूंगी और अच्छी तरीके से इसे मिला लूंगी। मैं हमारी तैयार की हुई वाइट चॉकलेट को ये मोल्ड के अंदर पोर कर लूंगी और अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लूंगी। दोस्तों देखिए, क्योंकि मैंने मोल्ड को थोड़ा सा काटा था, इस प्रकार से ये वाइट चॉकलेट थोड़ी सी लीक हो रही है, पर आप बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा। ये होना बिल्कुल ही ऑब्वियस है, पर कोई चिंता की बात नहीं है, ये आराम से सेट होने के बाद बिल्कुल भी लीक नहीं होती। मैं चॉकलेट को अच्छी तरीके से कोट कर चुकी हूँ और मैं इसे ऐसे ही ओपन एयर में 10 से 15 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख दूँगी। देखिए दोस्तों, मेरी चॉकलेट बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है और हमने जो केक को फ्रीज़र में रखा था वो भी बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। अब केक के आसपास मैं ये वाइट चॉकलेट का जो तैयार किया हुआ केज है उसे प्लेस कर लूँगी। दोस्तों, ये मोल्ड थोड़ा ज़्यादा बड़ा था तो मैंने इसे थोड़ा सा और काट लिया है। अगर आप चाहे तो आप इसे काटना अवॉइड भी कर सकते हैं। एक बार ये चॉकलेट सेट हो जाए फिर आप उतने पार्ट की चॉकलेट हाथ से तोड़ सकते हैं या फिर नाइफ से कट कर सकते हैं। पर जैसे कि मैंने पहले बताया, ज़्यादातर मेरी केक्स की जो साइज़ है और हाइट है वो यही होती है, तो मैंने उस हिसाब से इसे काट लिया है। आप अपने यूजेज के अनुसार देखकर उतना उस हिसाब से मोल्ड को काट सकते हैं या फिर उसी हाइट में रख के फिर चॉकलेट को काट सकते हैं। अब मैं इसे कंसील करने के लिए एक धागा बांध देती हूँ जिससे कि ये जो चॉकलेट है वो ये राउंड शेप ले ले। दोस्तों, एक्चुअली किचन में कुक करते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मेरा ये हाथ, राइट हैंड, थोड़ा सा जल गया जिसके वजह से मैं कुछ भी उठा नहीं पा रही थी, ना ही कुछ कर पा रही थी। तो मम्मा मेरी हेल्प कर रहे हैं। पूरी रेसिपी आप देख सकते हैं हमने आगे कैसे इसको कंटिन्यू किया। क्योंकि हम पेरू चिली फ्लेवर की केक बना रहे हैं, इसका जो मसाला है वो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक बोल के अंदर 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून पेरू पे डालने का जो मसाला है वो बनके एकदम अच्छी तरीके से तैयार है। अब हमें इस पे हमने जो धागा लगाया था वो धीरे से निकाल लेना है। धागा निकालने के बाद बहुत ही आसानी से ये मोल्ड निकल आता है। इस प्रकार से हमें मोल्ड को हटा देना है। देखिए फ्रेंड्स, चॉकलेट बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है। मैंने ये बड़ा स्टार नोजल ले लिया है। ये बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन या फिर कोई भी बेकरी का सामान मिलने वाली दुकान में मिल जाएगा। हम इस तरीके से नोजल से स्टार्स केक के टॉप पे पाइप आउट कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। मैंने जब क्रीम को व्हिप किया था, मैंने क्रीम के अंदर 1 टीस्पून गुआवा एसेंस डाला था ताकि इसमें भी अच्छी तरीके से गुआवा का जो फ्लेवर है वो आ जाए। तो हमने जो आइसिंग की थी और ये जो केक के टॉप पे हमने स्टार्स बनाए हैं, सभी में गुआवा फ्लेवर है। आप चाहे तो आप ये चीज़ करना अवॉइड भी कर सकते हैं, पर फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है गुआवा एसेंस का।
अब इसके ऊपर हमारा तैयार किया हुआ जो गुआवा का मसाला है वो मैं गार्निश कर लूँगी। और देखिए दोस्तों, ये जो जेली है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बाहर निकल आई है मोल्ड से, बहुत ही आसानी से ये निकल आता है। ये हम केक के सेंटर में अच्छे से प्लेस कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं जानती हूँ ये ऑलरेडी बहुत ही टेम्पटिंग और बढ़िया लग रहा है, पर हम अभी भी इसे और डेकोरेटिव बनाएंगे। मैं केक के बेस पे इस प्रकार से व्हिपिंग क्रीम के स्टार्स बना लूँगी और उसके ऊपर थोड़े से शुगर डेकोरेशंस गार्निश कर लूँगी। शुगर डेकोरेशंस बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पर लग चुका है। अब हम इसके ऊपर हाथ की सहायता से जो तैयार किया हुआ मसाला है वो चॉकलेट के ऊपर लगा लेंगे। दोस्तों बहुत ही आसानी से ये मसाला लग जाता है चॉकलेट पर। और दोस्तों मुझे ये केक का जो साइड्स है वो थोड़ा सा खाली लग रहा है टॉप पे, तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गोल्डन वर्मासेली अच्छे से लगा लूँगी। हमारा टेस्टी यम्मी एंड वेरी डिलिशियस पेरू चिली या फिर गुआवा चिली केक जो है वो बनकर तैयार है। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और टेम्पटिंग लग रहा है। आप ये यूनिक फ्लेवर की केक अपने घर पे ज़रूर बनाएं और अपने परिवार वालों को खुश कर दें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सी यू सून विथ मोर इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव रेसिपीज़।